कभी कभी पता चलता है उस देश के फादर ऑफ द नेशन को देख के कि उस देश का जातीय पिता कौन है, तो उससे उस देश का साइकोलॉजी जो है, एक कॉमन मैन का साइकोलॉजी, वे ऑफ थिंकिंग का पता चलता है। जैसे वन ऑफ द एपिसोड्स में मैंने डिस्कस करा था कि अफगानिस्तान का जो फादर ऑफ द नेशन है वो है अहमद शाह दुर्रानी, एंड ही वॉज ए कॉन्करर जो देश के बाहर जाके दूसरे लोगों को विक्टिमाइज कर। तो उनके जहन में, उनके साइकोलॉजी में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है। पर आप अगर साउथ अफ्रीका को देखो, उनका फादर ऑफ द नेशन कौन है? नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आपने टाइटल में देखा ही होगा आज का टॉपिक फिर से क्रिकेट के ऊपर है। आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, T20 वर्ल्ड कप का, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। और आपने जैसे देखा ही होगा टाइटल में, इट्स ए गेम ऑफ टू चोकर्स। चोकर क्या होता है? जो एंड मोमेंट पे जाके क्रंच सिचुएशन में क्रम्बल कर जाता है, जो वो प्रेशर ले नहीं पाता, उसी दिन बुरा खेलता है, है ना? तो ये दोनों कंट्रीज ही चोकर्स है, दोनों के ऊपर टैग लगा हुआ है। अब अगर देखो साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका इज द ओरिजिनल चोकर्स ऑफ क्रिकेट। ये ओरिजिनल चोकर्स है, बहुत साल पहले से ये बहुत अच्छा खेलते हैं। जैसे 90s में जब साउथ अफ्रीका का इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुआ, आते ही इन लोगों ने बहुत अच्छा खेलना शुरू करा। फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, इनका टीम में बहुत टैलेंट भी ज़्यादा था, पर ये कोई टूर्नामेंट्स जीत नहीं पाए, ये फाइनल में नहीं पहुंच पाए। तभी से ये चोकर टैग, उससे पहले क्रिकेट के वर्ल्ड में चोकर का कोई कॉन्सेप्ट इतना था नहीं। ये ऑस्ट्रेलियन टीम्स ने जब साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया एक वर्ल्ड कप में, फॉर एग्जांपल, इसके बाद काफ़ी सारे सीरीज में वो जब आउट हो गए, तो ये ऑस्ट्रेलियंस ने एज ए टूल ऑफ मेंटल वॉरफेयर, जो होता है ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसका टूल के हिसाब से ये वर्ड क्रिकेट में लेके आए साउथ अफ्रीका के लिए कि दे आर चोकर्स। कोई बड़े टूर्नामेंट के फाइनल हो रहा है, कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट गेम हो रहा है, वहाँ पे ये लोग चोक कर जाते हैं, हार जाते हैं। तो काफ़ी सालों तक इनके टीम में, साउथ अफ्रीका के टीम में टैलेंट बहुत था, पर ये चोक करते रहे। अब इंडिया का जो चोकर्स टैग है, ये बाद में आया, ये मेरे ख्याल से लास्ट 10 ईयर्स में आया है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, चोकर टैग लगने से पहले आपके टीम में टैलेंट बहुत होना चाहिए, कैपेबिलिटी बहुत होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। अगर आपके टीम में पोटेंशियल ही नहीं है, मैच विनिंग एबिलिटी ही नहीं है, आप कंसिस्टेंटली जीतते नहीं हो, तो किस बात की चोकर्स? फिर तो आप अंडर परफॉर्मर्स हो। चोक तो वो करता है ना जो पूरे टूर्नामेंट, फॉर एग्जांपल, जिसमें बहुत अच्छा खेलता है पूरे टूर्नामेंट में, फिर फाइनल में जाके चोक करता है। आपकी टीम अगर फाइनल में पहुंच ही नहीं रहा है या सेमीफाइनल में पहुंच ही नहीं रहा है, तो किस बात की चोकर, है ना? तो लास्ट 15-20 ईयर्स में इंडिया का क्रिकेट का बहुत बहुत क्वालिटी बढ़ा है, ठीक है ना? बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए हैं 15-20 ईयर्स में। तो इसीलिए चोकर टैग भी आया है, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इतना इंडिया ने जीता नहीं है। अब ये जो चोकर्स टैग है ना, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे भी बहुत ही फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना? इट्स नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल, एक प्लेयर के बारे में नहीं है, एक टीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक टीम के साइकोलॉजी के पीछे आपको जाना है, तो उस देश के बारे में आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये रीजंस हो सकते हैं। अभी हम साउथ अफ्रीका से शुरू करते हैं कि साउथ अफ्रीकन टीम बराबर से परपेचुअली पेरिनियल चोकस क्यों है। देखो, पहली बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका का अर्ली 1990s में मेरे ख्याल से 1990 या 1991 में इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुआ था। इससे पहले ये एपाथाइड एरा में इन लोगों को बैन किया गया था, 20-30 साल ये बैन थे क्रिकेट से, आइसोलेटेड थे। इनमें टैलेंट उस टाइम पे सबसे ज़बरदस्त था, जिस टाइम पे ये लोग आइसोलेटेड थे उस टाइम पे इनका सबसे ज़बरदस्त प्लेयर्स थे, टैलेंट था, पोटेंशियल था, पर इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को नहीं मिला। तो इसके वजह से इनके अंदर ना एक विक्टिम माइंडसेट हो गया कि हम इतने टैलेंटेड हैं पर हमें वो रिकग्निशन नहीं मिला क्योंकि हम इंटरनेशनली खेल नहीं पाए। जब इनकी वापसी हुई, तब इनमें एक और फैक्टर आ गया कि 20-30 साल से जब आप आइसोलेटेड हो, मान के चलो कि आपके मोहल्ले में कोई आपसे बात नहीं करता, आपको कोई मुंह नहीं लगाता, ऐसे में अगर किसी से आपका एक दिन बात हो भी जाए ना, तो आप में आपके अंदर एक झिझक होगा, एक हेजिटेंसी होगी, आपको लगेगा कि क्या मैं इस ग्रुप में, इस मोहल्ले में एक्चुअली बिलोंग करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग धलग नहीं हो गया हूँ। तो साउथ अफ्रीकन्स के साइकी में भी ये चीज़ था, शुरू शुरू में जब वो खेलते थे ना, उनके पास ये था कि
हम में कैपेबिलिटी तो बहुत है पर शायद हम इस फ्रेंड्स क्लब में बिलोंग नहीं करते। वो इसमें नहीं था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का नॉट बिलोंगिंग नहीं था, ठीक है ना, वो था कि सेंस ऑफ एलियनेशन, कि हम थोड़े से एलियनेटेड हो गए हैं, शायद लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारे बातों को लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारे गेम से लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये एक फैक्टर था। उनमें एक कॉम्प्लेक्स काम करता था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, एक कॉम्प्लेक्स था अलग टाइप का, एक सेपरेशन का, एक आइसोलेशन का कॉम्प्लेक्स था उनमें। दूसरा ये फैक्टर इनके अंदर था कि इनके जो कल्चर है ना, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का जो कल्चर है, पहले जब 1990s में जब ये खेलना शुरू करा, अर्ली 1990s में इंटरनेशनल क्रिकेट, तब इनमें ज़्यादातर यूरोपियन बैकग्राउंड के प्लेयर्स थे, यानी कि एथनिक यूरोपियंस, जो ओल्ड हॉलैंड के इमिग्रेंट्स थे जो साउथ अफ्रीका में जाके सैकड़ों साल से वहाँ पे रह रहे थे, जो सेटलर्स जिनको बोलते हैं वाइट सेटलर्स, उनके वंशज थे। उस टाइम पे मिक्स रेस या ब्लैक प्लेयर्स बहुत कम दिखते थे, अफ्रीकन ओरिजिन के प्लेयर्स बहुत कम थे, मिक्स रेस के एक दो थे पर बहुत कम दिखते थे। तो उनका एक मेंटेलिटी था, एक ओल्ड हॉलैंड वाली मेंटेलिटी था। तो इनके जो एंसेस्टर्स थे ना, ये नेदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम, ये वाला जो एरिया है यूरोप में, यहाँ से गए थे मान के चलो 300-400 साल पहले, साउथ अफ्रीका में जाके सेटल हुए थे, सेटलर्स जिनको बोलते हैं, अफ्रीकांस सेटलर, अफ्रीकैनर बोलते हैं उनको वहाँ पे। अब ये जब यूरोप से चले गए, इमिग्रेंट्स का एक मेंटेलिटी होता है कि जिस ज़माने में वो निकल गए उसके बाद 300-400 साल तक यूरोप चेंज हो गया, इवॉल्व कर गया अपने डायरेक्शन में, पर ये जो इमिग्रेंट्स थे उन्होंने वही पुराना यूरोपियन कल्चर को, जब ये यूरोप से मूव आउट हुए थे, वो कल्चर को उन लोगों ने पकड़ के रखा। अब ये हर इमिग्रेंट ग्रुप के साथ होता है। जैसे मैं जब फॉरेन में चला गया बहुत साल पहले, मैं इंडिया का एक इमेज लेके चला गया, उसी इमेज को मैंने पकड़ के रखा बहुत साल। तो ये हर एक इमिग्रेंट के पास होता है। तो उनका वो साइकी एक हो गया, वो ओल्ड यूरोप वाला साइकी, और वो ओल्ड यूरोप वाला साइकी जो था ना उस ज़माने में, 300-400 साल पहले यूरोप में इतनी खुशहाली नहीं थी, वहाँ पे भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे भी इकोनॉमी का हाल इतना अच्छा नहीं था, इसलिए तो लोग ढूंढ रहे थे कि यहाँ से कहीं पे भाग जाऊँ, कहीं पे जाके नया एक सेटलमेंट बनाऊँ, अपना नया लाइफ शुरू करूँ। जैसे इंडिया से कनाडा में लोग जैसे आजकल इंडिया में जाते हैं, ऐसे यूरोप में भी उस टाइम पर यही हाल था, इसीलिए तो लोग बाहर जा रहे थे, बाहर के देश में जाके सेटल हो रहे थे, न्यू वर्ल्ड में या अफ्रीका में। तो वो जो एक सेंस ऑफ जो एक डिप्रीवेशन या सेंस ऑफ इकोनॉमी जिसको आप बोल सकते हो, कि हर चीज़ को बड़ा केयरफुली करना है, बहुत केयरफुली खर्च करना है, बड़ा कंजर्वेटिवनेस, इकोनॉमिक कंजर्वेटिवनेस, सोशल कंजर्वेटिवनेस उनमें बहुत था। तो वही कहीं ना कहीं इनके क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब उनको बोल्डली खेलना चाहिए वो बड़ा कंजर्वेटिवली खेल जाते हैं। बिग स्टेज में आके ना वो टीम्स अच्छा करते हैं जो वो मोमेंट को एंजॉय करते हैं, जो सोचते हैं कि इट्स ए बिग स्टेज फॉर अस, इट्स द फाइनल, यहाँ पे मैं अपना टैलेंट को डिस्प्ले करूँगा। तो वो टीम्स जनरली आउट परफॉर्म करते हैं फाइनल के दिन। पर साउथ अफ्रीकन्स में क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस, वी वर आइसोलेटेड, पीपल मे बी दे डोंट लाइक अस, आर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, यानी कि हम एकदम पीछे की तरफ पड़े हुए हैं, दुनिया के लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो बड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, बड़ा डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं, और उन्हीं का नतीजा है ये चोकर्स टैग। जब आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हो ना तो लक भी आपके खिलाफ जाता है। ये तो बहुत हुआ है इनके साथ कि लक इनके फेवर में नहीं गया, पर इन लोगों ने लक अपना बनाया भी तो नहीं ना, इन लोगों ने शुरू से इतना कंजर्वेटिव क्रिकेट खेला, स्पेशली फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में या इम्पॉर्टेंट मैचेस में, जिसके वजह से इनको चोक करने का टैग मिल गया के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए। और एक थर्ड रीज़न भी है जो मेरा एक थियरी है कि एक कंट्री एक स्पोर्ट्स फील्ड में, एक टीम स्पोर्ट्स के फील्ड में कैसे परफॉर्म करेगा इन क्रंच सिचुएशंस, इन बिग स्टेजेस, कभी कभी पता चलता है उस देश के फादर ऑफ द नेशन को देख के, कि उस देश का जातीय पिता कौन है। तो उससे उस देश का साइकोलॉजी जो है, एक कॉमन मैन का साइकोलॉजी, वे ऑफ थिंकिंग का पता चलता है। जैसे वन ऑफ द एपिसोड्स में मैंने डिस्कस करा था कि अफगानिस्तान का जो फादर ऑफ द नेशन है वो है अहमद शाह दुर्रानी, एंड ही वॉज ए कॉन्करर, जो देश के बाहर जाके दूसरे लोगों को विक्टिमाइज करा।
तो उनके जहन में, उनके साइकोलॉजी में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है। पर आप अगर साउथ अफ्रीका को देखो, उनका फादर ऑफ द नेशन कौन है? नेल्सन मैंडेला। नेल्सन मैंडेला वॉज ए फैबुलस पर्सन, इज अ ट्रूली इंस्पायरिंग पर्सन, समवन दैट आई रियली रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर। बट ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ, उनके पूरी जिंदगी में वो एक विक्टिम थे, और वो विक्टिमहुड कहीं ना कहीं उनके नेशनल टीम में भी रिफ्लेक्ट होता है। अब अगर हम कन्वर्सली इंडिया की तरफ आ जाए, जो नया चोकर्स है क्रिकेट में, इनमें देखो, इनमें भी कुछ फैक्टर्स है, पर डिफरेंस पता है क्या है? साउथ अफ्रीका का टीम लास्ट 10-15 ईयर्स में इन लोगों ने एक्चुअली परफॉर्म ही अच्छा नहीं करा, तो 10-15 ईयर्स में इनका टीम भी इतना खास नहीं रहा, इसलिए आप इनको चोकर्स नहीं बोल सकते। दे वर बैड परफॉर्मर्स बिकॉज दे डिडंट हैव द पोटेंशियल, इनके टीम में टैलेंट पोटेंशियल कम था। चोक अभी करेंगे कि नहीं वो हमें नहीं पता, वो चोक करते थे आज से 15 साल पहले तक जब उनके पास अच्छी टीम थी। कन्वर्सली वही इंडिया में वापस आ जाओ, इंडिया में टैलेंट आजकल बहुत है, लास्ट 10-15 ईयर्स में तो इंडिया ने आउट परफॉर्म करी है। सौरभ गंगुली के पीरियड से ये जो इंडिया के क्रिकेट का जो रेनेसांस है ये शुरू हो गया था, यानी कि कमबैक शुरू हो गया था। मैं कमबैक भी नहीं बोलूँगा, हिस्ट्री में भी इंडिया इतना कोई खास टीम था नहीं, तो द गोल्डन पीरियड इंडिया के क्रिकेट टीम में शुरू हुआ था सौरभ गंगुली ईरा से। तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया, इट्स वेरी वेल रिसोर्स्ड, इनके पास पैसा भी अच्छा है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी है, एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, पर फाइनल में जाके चोक कर जाते हैं। इनके पीछे रीज़न क्या है? देखो, इंडिया का भी एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है कोलोनाइजेशन का। अब जो सौरभ गंगुली से पहले वाले जो टीम्स होते थे ना, वो दे वर द क्लियर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट थियोरी। इनका क्या था कि ये मैच में पार्टिसिपेट करने जाते थे, और इनका एक बड़ा मोटिवेटर था इंडिविजुअल स्कोर्स। 100 मार दिया, 200 कर दिया तो दे वर वेरी हैप्पी। इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम टूर्नामेंट हार गए या मैच हार गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ये मैं प्लेयर्स के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि प्लेयर्स जो थे वो सेल्फिश थे, ऐसा नहीं था। ये देश का पब्लिक ऐसा था, जो क्रिकेट विविंग पब्लिक था ना, जो फैंस थे यही ऐसे थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इंडिया हारे या जीते, एज लॉन्ग एज जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेंचुरीज मार लें। ये इंडिया पूरे देश का ही एक साइकोलॉजी था। डोंट ब्लेम प्लेयर्स, प्लेयर्स आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द वाइडर सोसाइटी। सोसाइटी के लोग ज़्यादा ऐसे थे प्लेयर्स से भी ज़्यादा, और प्लेयर्स भी थोड़ी बहुत ऐसे इंडिविजुअली खेलते थे, अपने ग्लोरी के लिए खेलते थे, रिकॉर्ड्स के लिए खेलते थे, पर उनमें हारने का जो एक शर्म है ना, वो था नहीं। मुझे अभी भी याद है कि इंडिया का एक कैप्टन हुआ करता था, जो बाद में मैच फिक्सिंग में भी पकड़ा गया था, एक बहुत ही सेलिब्रेटेड इंडिया टीम का कैप्टन था पहले के ज़माने में। वो मैच हारने के बाद भी स्माइल करते करते फील्ड से वापस आते थे पेविलियन में। वो बहुत खटकता था, बहुत दिखता था कि देखो ही इज़ एंजॉइंग हिमसेल्फ, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हारने से, ही वॉज हैप्पी एज लॉन्ग एज ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट मैच। तो पूरे टीम का ऐसा था कि नेक्स्ट मैच में सिलेक्ट हो जाऊँ बस वही काफ़ी है, और क्या फ़र्क पड़ता है। दे वर हैप्पी टू पार्टिसिपेट, अच्छे जगह पे जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, 5-स्टार होटल में रुक रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, चक्कर भी चला रहे हैं वहाँ पे, मैच फिक्सिंग भी हो रही है, बेटिंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो गया, 50 मार दिया तो चलो नेक्स्ट मैच में तो सेलेक्ट हो ही जाऊँगा, ये इंडिया का साइकोलॉजी था पहले। अभी धीरे धीरे ये चेंज हो गया है, पर कहीं ना कहीं मन के कोई कोने में अभी के टीम में ये सारी चीज़ें नहीं है कि मैं अपने लिए खेलूंगा, अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा। पब्लिक भी शायद थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है, इंडियन पब्लिक शायद, मैं 100% नहीं बोलूंगा, प्लेयर्स ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं कि वो आजकल रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते, इंडियन क्रिकेटर्स इतना ज़्यादा नहीं खेलते। पर मुझे लगता है कि इंडिया का जो विविंग पब्लिक है ना, जो फैंस है, उनके मन में अभी भी ये है कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को सेलिब्रेट करना। पर जो भी हो, चीज़ें फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूव तो हुआ है, पब्लिक भी अभी थोड़ा सा जागरूक हुआ है। पर दिक्कत पता है क्या हो गया है कि इंडियन टीम में, कि कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी के, आपके माइंड के पीछे शायद वो सेंस ऑफ विक्टिमहुड है, जिसके वजह से ये बिग मैचेस में जाके थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं, या कभी कभी हो जाता है कि जब आप ज़्यादा डिफेंसिव या डर जाते हो ना, तो कभी कभी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप ओवर एग्रेसिव होने की कोशिश करते हो। मुझे लगता है ये फैक्टर भी इंडिया के अगेंस्ट फाइनल्स में बहुत काम करता है, कभी कभी ये ओवर एग्रेसिव भी हो जाते हैं। अब इंडिया का जो चोक करने का सेकेंड रीज़न है, वो भी कहीं ना कहीं फर्स्ट रीज़न के साथ जुड़ा हुआ है इन सम रिस्पेक्ट।
देखो मैंने वो जो एक थ्योरी बताया था ना, मेरा अपना थ्योरी, कि एक देश के फादर ऑफ द नेशन को देख के एक देश का नेशनल साइकी पता चलता है। तो इंडिया का फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी किस चीज़ को डिनोट करते हैं, कौन सी चीज़ सिग्नल करते हैं? अहिंसा, अगर एक गाल में थप्पड़ भी खाओ दूसरा गाल आगे कर दो, सो ए सेंस ऑफ पैसिफिज्म। ही वॉज ए पैसिफिस्ट, ही वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन विनिंग, कि मुझे हारने में बड़ा शर्म आएगा, मुझे हर हाल में जीतना है, ये चीज़ तो नहीं था। अगर महात्मा गांधी हमारे देश में इतने पॉपुलर नेता थे और है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो जो टीचिंग्स है, उनकी जो एग्जाम्पल्स है, वो रेजोनेट करता है देश के पब्लिक के अंदर, ठीक है ना। लोग इसीलिए तो उनको पसंद करते हैं, उनका जो फिलॉसफी है वो देश के लोगों के मन को छूता है, वो रेजोनेट करता है। आप अगर इमेजिन करो, यही अगर महात्मा गांधी का जो फिलॉसफीज है, ये अगर अफगान्स के पास आप लेके जाओ, आपको लगता है कि अफगान्स के अंदर वो जो साइकोलॉजी है, वो फिलॉसफी है, वो जो टीचिंग्स है, उनके जो एग्जाम्पल्स है, क्या वो रेजोनेट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अगर इंडिया में रेजोनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे देश के पब्लिक भी थोड़े से डिफेंसिव, पैसिफिस्ट, अहिंसा वाले लोग हैं, नॉन वायलेंट। तो वही चीज़ हमारे टीम के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए नेचुरली इनमें किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। अब कुछ प्लेयर्स हैं जो वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बिग स्टेज में आके ना, एट द एंड ऑफ द डे ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाती है, स्पेशली जब आपका सामना ऐसे टीम्स के साथ हो रहा है जो जीतना जानते हैं, जो सोचते हैं कि हम नेचुरल विनर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, बहुत बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल्स में हारे हैं, और वो उसका यही रीज़न है कि ऑस्ट्रेलियंस बिलीव करते हैं कि वो जीतने का हक रखते हैं, वो ट्रॉफी उनका ही है। अगर उनको नहीं मिला, दैट्स एन एक्सेप्शन, बट द रूल इज़ कि वो ट्रॉफी उनके पास ही आना चाहिए, तो वो उस बिलीफ के साथ खेलते हैं। तो यही फ़र्क है, जब आप ऐसे टीम्स के साथ खेल रहे हो, इंडिया हो या साउथ अफ्रीका हो फाइनल्स में, तो लक भी उनके तरफ ही जाता है, क्योंकि बिकॉज दे मेक देयर ओन लक थ्रू देयर पॉजिटिवनेस। अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आ जाता है, हमने रीजंस तो हमने डिस्कस करा कि दोनों टीम्स के क्या रीजंस हैं चोकर्स होने में, कुछ रीजंस सिमिलर भी हैं बट कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट प्लेस, ठीक है ना। दे आर ए वेरी डिफरेंट कल्चर, इंडियंस एंड साउथ अफ्रीकन्स। मेरा तो साउथ अफ्रीकन्स के साथ बहुत बहुत पाला पड़ा है मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मैंने बहुत इनके साथ डील करा है व्हेन आई वाज लिविंग अब्रॉड। मेरे बहुत सारे कलीग्स होते थे, मेरे अंडर काम करा है बहुत सारे साउथ अफ्रीकन्स ने, तो आई नो देम क्वाइट वेल, दे आर वेरी नाइस पीपल। पर उनके माइंड में ना एक, पता है क्या होती है, एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी होती है उनके माइंड में, कि वो एक्स्ट्रावेगेंट कम होते हैं, शायद दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज का मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, फाइनल मैच, क्योंकि दोनों ही चोकर्स हैं। अब देखो मुझे जितना लगता है, मेरा प्रेडिक्शन तो ये है कि शायद इंडिया को जीतना चाहिए, दोनों ही चोकर्स हैं। तो फिर बात आ जाती है पोटेंशियल पे, एबिलिटी पे, क्रिकेटिंग स्किल्स पे। मुझे लगता है कि इस डिपार्टमेंट में इंडिया काफ़ी आगे है, और उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हायर है साउथ अफ्रीका से। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आज शायद इंडिया जीतेगा, बट यू नेवर नो। तो देखते हैं आज क्या होता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।